हेलो वीवर्स, वेलकम टू बियास होममेड डिशेस। आज मैं एक ऐसी रेसिपी लेकर आई हूँ जो बहुत ही हेल्थ के लिए बेनिफिशियल है और बहुत ही यूज़फुल है। ठंडियों में तो बहुत ही अच्छी होती है। वो है हमारे अदरक का मुरब्बा। अदरक का मुरब्बा बनाने के लिए मैंने ली है 1 कटोरी अदरक और 1 कटोरी गुड़ लिया है। आप गुड़ के बदले चीनी भी ले सकते हैं। और 1 नींबू कट कर लिया है मैंने। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। पहले हम अदरक, मैंने अच्छे से अदरक को छील लिया है और उसे अच्छे से वॉश कर लिया है। वॉश कर उसको छोटे छोटे पीसेस में, ऐसे स्लाइसेस में कट कर लिया है। अब मैं इसको ग्राइंड कर लूँगी। चलिए स्टार्ट करते हैं अदरक का मुरब्बा बनाना। देखिए, मैंने अदरक को पीस लिया था, वो मैंने इसमें डाल लिया है। अब साथ ही हम इसमें गुड़, जो छोटे छोटे टुकड़े कर लिए हैं मैं, उसमें डाल लूँगी। अब हम इसमें थोड़ा सा पानी डाल लेंगे, बिल्कुल थोड़ा सा डालेंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। गुड़ अच्छे से पिघल जाए, अच्छे से पक जाए, तब हम इसे छानना है। अभी पकने के लिए थोड़ा वक्त है और हमारा ये गुड़ डिसॉल्व नहीं हुआ है, तो हम उसे अच्छे से पका लेंगे। चम्मच को चलाते रहेंगे, कंटिन्यूसली हमें इसे चलाते रहना है। देखिए, कंटिन्यूसली मैंने 4 मिनट तक अच्छे से इसे पकाया है। अदरक का सारा जो फ्लेवर है ये पानी में आ चुका है। अब हम इसे छान लेंगे। गुड़ भी हमारा सारा अच्छे से डिसॉल्व हो चुका है। मैं फ्लेम को ऑफ कर लूँगी और इसको छान लूँगी। हम सारा इसे अच्छे से छान लेंगे। सारा एक छन्नी में डाल लिया है मैंने और इसको अच्छे से छान लेंगे। आप ऐसे भी रख सकते हैं, ये बच्चे नहीं पसंद करते हैं, इसीलिए मैं इसे निकाल देती हूँ। देखिए, सारा पानी अच्छे से हमें निकाल लेना है। ऐसे दबाते हुए निकाल लेंगे। सारा मैंने ऐसे ही अच्छे से छान लिया है। अब मैंने फ्लेम को ऑन कर लिया है, ये अच्छे से पककर गाढ़ा हो जाए तब तक हमें इसे पकाना है। ये बहुत लिक्विड है, इसे अच्छे से पकाएंगे। देखिए, अच्छे से पक रहा है। हमें इसे हाई फ्लेम पर चलाते हुए पकाना है। ऐसे ही मिक्स करते जाएंगे और पकाएंगे। अब मैं इसमें 1 लेमन का जूस सारा डाल लूँगी। हम अच्छे से इसे डाल लेंगे। मैंने 1 लेमन लिया है। आप ज़्यादा बना रहे हैं, ज़्यादा क्वांटिटी में, तो आप ज़्यादा भी ले सकते हैं। जैसे हम इसे पकाते जाएंगे इसका कलर डार्क होता जाएगा। अभी ये थिक होना है और थोड़ा हम हाई लो करते हुए अच्छे से उसे थिक कर लेंगे। देखिए, अच्छे से पक चुका है, थिक हो गया है। मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए, इतना थिक हमें रखना है, बिल्कुल ये शहद की तरह लग रहा है। अब हम उसको फ्लेम को ऑफ कर लेंगे। ये रेडी हो चुका है। फ्लेम को ऑफ कर हम इसमें 2 चम्मच शहद डालेंगे। बिल्कुल 2 चम्मच डालेंगे। बस ये रेडी हो चुका है। हमें फ्लेम को ऑफ कर ही शहद डालना है। पहले मैं बताना भूल गई थी। अभी हम इसे मिक्स कर लेंगे। जब अच्छे से ये ठंडा हो जाए, हम इसे एक जार में, एयर टाइट कंटेनर जार में आराम से रख सकते हैं। बाहर रखने पर भी बिल्कुल ख़राब नहीं होता। आप फ्रिज में इसे मत रखिए, बाहर ही एक जार में, कांच के जार में इसे स्टोर कर सकते हैं। तो आप भी इसे ज़रूर ट्राई कीजिए। लीजिए, हमारा अदरक का मुरब्बा बनकर तैयार हो चुका है। मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए कैसी हमारी गाढ़ी सी कंसिस्टेंसी है मुरब्बे की। आप भी इसे ज़रूर बनाइए। बच्चों को ठंडी के दिनों में बार बार खांसी सर्दी हो जाती है, सुबह 1 चम्मच देंगे तो सर्दी
नहीं होगी। बच्चे बड़े सबके लिए बहुत अच्छा है, इसे आप ज़रूर ट्राई कीजिए। थैंक यू।